आज का हमारा टॉपिक है फेराडे सेकंड लॉ तो चलो पढ़ते हैं फेराडे सेकंड लॉ तो जरा देखो फेराडे सेकंड लॉ ने क्या बोला फेराडे ने बोला कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं और वो सेल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं इन सीरीज कनेक्टेड बेटा सीरीज में कनेक्टेड है और वो सेल्स आपस में कनेक्टेड है किसमें इन सीरीज तो अगर वो सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो उन सारी की सारी सेल्स में क्या होगा सेम अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो हो रहा होगा यार बताओ जरा जब भी सीरीज में कोई भी चीज जुड़ी होती है तो उसमें क्या चीज कॉन्स्टेंट होती है करंट कॉन्स्टेंट होता है दैट मीनस करंट इज इन सीरीज करंट इज करंट इज कॉन्स्टेंट या फिर आप बोल सकते हो सेम तो सीरीज में क्या होगा करंट कांस्टेंट है करंट सेम है अगर करंट सेम है तो आपके पास ए बी और सी तीन आपके पास सेल है अगर करंट सेम है तो फैराडे ने क्या बोला कि यार इफ अ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑब्वियस है करंट सेम है तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी क्या होगी सेम होगी इस पास्ट थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है कहां से डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से उंट ऑफ सबस्टार्स डिस्चार्ज बहुत ध्यान से देखो देन अमाउंट ऑफ सब्सट डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड विल बी इन द रेशो ऑफ देयर ग्राम सपोज दैट ये वाला सोल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट का यह वाला सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का और यह वाला सोल्यूशन जो है आप बोल दो ए जी एन ओ थ्री सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है तो इन्होंने क्या बोला फेराडे ने जरा देखो यार ये पॉजिटिव पार्ट है और ये कैसा पार्ट है नेगेटिव पार्ट है तो नेगेटिव पार्ट कैथोड होता है ये वाला पार्ट भी नेगेटिव है और ये वाला पार्ट भी क्या होगा नेगेटिव होगा तो देखो इस नेगेटिव पार्ट पे कौन डिपॉजिट हो रहा है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इस वाले नेगेटिव पार्ट पे कौन डिपॉजिट हो रहा है जिंक डिपॉजिट हो रहा है इस नेगेटिव पार्ट पे कौन डिपॉजिट होगा सिल्वर डिपॉजिट होगा हो हो तो मैं क्या बोल सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सेल ए इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेल बी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्वेलेंट ऑफ सेल सी तो इसका मतलब ग्राम इक्वेलेंट जो है वो तीनों की तीनों सेल के सेम होंगे अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ करेंट को सप्लाई कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को पास कर रहे हैं तो जरा देखो यार ध्यान से अगर मैं ग्राम इक्वेलेंट ऑफ ए बोलूं तो यार ए में कौन है कॉपर तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा ग्राम इक्वेलेंट ऑफ कॉपर और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट तो मैं क्या बोल सकता हूं वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी इक्वल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी क्या मैं बोल सकता हूं अब यार देखो डिस्चार्ज कौन हो रहा है कॉपर हो रहा है ना ए पे तो मैं क्या बोलूंगा

इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर और यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर है वो किसके इक्वल होगा चार्ज प्रेजेंट ये याद रखना चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल जो मेटल पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा आयोनाइज होने के बाद या इलेक्ट्रोलिस होने के बाद वही क्या होगा उसका वैलेंसी फैक्टर होगा जैसे कॉपर कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर चार्ज क्या आएगा कॉपर टू पॉजिटिव

एनसीआर टी का 3.16 पॉइंट वन सिक्स थ्री इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स तीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है ए बी एंड सी तो चलो तीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हम लोग बना लेते हैं दिस इज सेल ए दिस इज सेल बी एंड दिस वन इज सेल सी हमने तीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बना ली है और उनमें क्या बोला है इन्होंने कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ जेड एन एसओ फोर यानी सेल ए में जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है वो है जेड एन एसओ फोर सेल बी में जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है AgNO3 AgNO3 थ्री थ्री एंड द सेल सी जो है उसमें सॉल्यूशन कौन सा है उसमें इन्होंने बोला है उसमें सॉल्यूशन है सी यू एस ओ फोर और क्या बोला है तीनों सेल कनेक्टेड है किसमें सीरीज में तो चलो भाई सीरीज में इनको कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने देखो तीनों सेल कहाँ कनेक्ट हो गई सीरीज में कनेक्ट हो गई इनको भी आपस में कनेक्ट कर दो तीनों सेल किसमें कनेक्ट हो गई सीरीज में कनेक्ट हो गई उसके बाद क्या बोला स्टडी करेंगे तो 1.5 एंपियर इसका मतलब कितना करेंट पास हो रहा है 1.5 एंपियर दैट मींस जो करेंट पास हो रहा है वो कितना है i इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 1.5 एंपियर इज द करेंट तो इतना करेंट आपसे पास किया जा रहा है अंटिल 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड हो रहा है यानी जो सिल्वर है वो कितना डिपॉजिट हो रहा है 1.45 ग्राम तो आपको क्या बोला है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो सबसे पहले क्या बोला कितने टाइम तक करंट फ्लो होगा दैट मीन्स किसकी बात कर दी टाइम की बात कर दी कि भाई करंट कितने टाइम तक फ्लो होगा अब यार टाइम देखो फेराडे के सेकंड लॉ से तो आप निकाल नहीं सकते टाइम भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं फेराडे फर्स्ट लॉ तो चलो पहले फेराडे फर्स्ट लॉ यूज करके हम लोग टाइम निकालते हैं तो अगर हम लोग फेराडे फर्स्ट लॉ की बात करें तो फेराडे फर्स्ट लॉ का हमारा फॉर्मूला क्या था वेट अपॉन इक्वेलेंट वेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ और वेट आपको ऑलरेडी फोर फाइव ग्राम एंड वेट तो फॉर्मूला अभी बताया था मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर बताओ जरा सिल्वर का मोलिकुलर वेट कितना होता है वन जीरो एट ग्राम और सिल्वर का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा ए जी एनओ थ्री तो एजी पे कितना चार्ज आया प्लस वन दैट मीन्स वैलेंसी फैक्टर इज वन क्यू इज़ I T और हमारा करंट कितना है 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टाइम हमें कैलकुलेट करना है और हमारी फेराडे की वैल्यू कितनी होती है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो तो हमें क्या करना है हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम कितना हो जाएगा वन पॉइंट फोर फाइव ग्राम इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो अपॉन वन जीरो एट इंटू वन पॉइंट फाइव और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका टाइम आएगा बेटा सेकेंड में और आपका आंसर आएगा 864 सेकेंड तो कैलकुलेशन पार्ट है इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना नाउ अब बात कर रहे हैं द सेकेंड पार्ट वॉट मास ऑफ जिंक एंड कॉपर वर डिपोजिटेड जिंक और कॉपर का कितना मास डिपोजिट हुआ है तो इसको आप फेराडे सेकेंड लॉ से कर सकते हो सेकेंड लॉ क्या बोलता है वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर देखो यार यही तो होगा कनेक्टेड है ना? और weight of copper upon equivalent weight of copper. अब इनमें से पहले चलो जिंक निकाल लेते हैं तो वेट ऑफ जिंक अपने को नहीं पता लेकिन जब इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक की बात करेंगे तो जिंक का मॉलिकुलर वेट कितना होता है सिक्सटी फाइव और वैलेंसी फैक्टर है तो कितना आएगा? टू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू आपको डेटा किसका दिया है सिल्वर का डेटा ऑलरेडी गिवन है सिल्वर का वेट ऑलरेडी गिवन है कितना है 1.45 ग्राम तो जिसका वेट गिवन है उसी के साथ कंपेयर करना पता पड़ा आपने जिंक और कॉपर को कंपेयर कर दिया और दोनों ही दोनों वेरिएबल्स हैं दोनों को ही निकालना है तो कोई फायदा नहीं होगा तो देखो सिल्वर इज वन ग्राम एंड द इक्ट वेट ऑफ सिल्वर इज वन ग्राम और बैलेंसी फैक्टर कितना होता है वन अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो वेट डब्लू इंटू टू इक्वल्स टू वन पॉइंट फोर फाइव इंटू सिक्सटी फाइव अपॉन वन जीरो एट और डब्लू इज इक्वल्स टू वन पॉइंट फोर फाइव इंटू सिक्सटी फाइव अपॉन वन जीरो एट इंटू टू और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका जीरो पॉइंट फोर थ्री एट ग्राम तो जिंक कितना डिपॉजिट हो गया है जिंक डिपॉजिट हो गया है आपका जीरो पॉइंट फोर थ्री एट ग्राम ना यहीं पे बात करो कॉपर की तो कॉपर को अब आपके पास दो ऑप्शन है आप कॉपर को सिल्वर से भी रिएक्ट करा सकते हो और कॉपर को किससे कंपेयर करा सकते हो जिंक से तो आप यहाँ पे दोनों से में से किसी से भी कंपेयर करा सकते हो क्यों क्योंकि जिंक का वेट भी आ गया और सिल्वर का वेट ऑलरेडी दिया हुआ था तो चलो सिल्वर से ही करा देते हैं तो वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बोलो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63.5 एंड द वैलेंसी फैक्टर इज 2 इक्वल्स टू वेट ऑफ सिल्वर इज अगेन 1.45 ग्राम एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज 108 वैलेंसी फैक्टर तो 1 होगा तो वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 1.45 63.5 108 2 और अब हमारा वेट ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा जीरो पॉइंट फोर टू सिक्स ग्राम तो दिस इज द आंसर तो ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने फेराडे के दोनों लॉ लगा दिए फर्स्ट लॉ से आपने टाइम निकाल लिया एंड सेकंड लॉ से वेट ऑफ जिंक एंड सिल्वर आपने निकाल लिया है तो बेटा ये है हमारा फेराडे सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल तो आज के लिए इतना ही आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में